नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात की थी नी पेन के बारे में, और आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी वो पोजीशंस या एक्सरसाइज करनी है जो कि नी पेन को रिलीव करने में मदद करती है। सिटिंग पोस्चर्स के बारे में, तो सबसे पहले हम जब बैठते हैं, कई लोगों को बैठने की आदत होती है कि वैसे ही क्रॉस लेग करके बैठते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे जो नी और दूसरे नी के बीच में जब ऐसे हम पाम रखते हैं, इस एंकल का प्रेशर इस घुटने के ऊपर पड़ता है, जिसके कारण नर्व को प्रेशर आता है और पाम में कई बार झनझनाहट सी महसूस होती है। तो ये ऐसे क्रॉस लेग्स करके नहीं बैठना चाहिए। दूसरा, कई बार कईयों को आदत होती है कि वो ऐसे कुर्सी के पीछे पाँव ऐसे करके बैठती हैं, पाँव पीछे चले जाते हैं। ऐसा भी नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ऐसा करने से हमारे ये जो हैं दोनों नीज यहाँ पर हमारे थाई पर प्रेशर दे रहे हैं पीछे जाने के वैसे, और ये पीछे अगर हम बार बार करके बैठते रहें तो ये कमर दर्द का कारण भी बन सकती है। तो इसलिए कभी भी ऐसे पाँव को पीछे करके नहीं बैठना है। जब भी कभी आप चेयर पर बैठे या सोफे पर बैठे तो इसका ख्याल रखें कि आपको अपने पांव नजर आते रहने चाहिए। जब आपके पांव आपको नजर आएंगे तो आपके ये घुटने रिलैक्स पोजीशन में होंगे। एक और बार बात, जब हम कभी कार की सीट पर बैठते हैं तो आमतौर पर कार की सीट जो होती है वो थोड़ा पीछे झुकी होती है, ऐसे बैठते हैं, और कई बार वो सीट पीछे दब भी जाती है, जिसके कारण हमारा जो हिप ज्वाइंट है वो नी ज्वाइंट के लेवल से थोड़ा ऐसे नीचे चले जाता है। ऐसा करने से वो कमर दर्द का कारण बन जाएगा। तो अपनी कार की सीट को एडजस्ट करें कि आपका जो हिप ज्वाइंट है वो नी ज्वाइंट से थोड़ा ऊपर रहे। और जब हम कई बार सोफे पे बैठते हैं, कई सोफे बहुत गद्देदार होते हैं जिसमें बैठने पर हम काफी उसमें डिप्रेस हो जाते हैं बीच में, तो इस तरह से हमारे जो हिप ज्वाइंट है वो नी के लेवल से नीचे चले जाता है, जो कि बाद में कमर दर्द का कारण बन सकता है। बात करते हैं कुछ एक एक्सरसाइज की जो कि नी ज्वाइंट में करनी चाहिए। सबसे पहले है कि अपने पांव को रिलैक्स करके रखें और ऐसे हल्का सा ऊपर करें, इसको स्ट्रेट कर लें। स्ट्रेट करने के बाद इसको हल्का सा पंजे को ऊपर की तरफ मोड़ें। ऐसा करने से ये जो पूरी का पूरा मसल के अंदर एक खिंचावट आ रही है, जो कि हमारे इस वीक मसल को स्ट्रेंथ देगा। इसे ऐसे करते हैं, बिल्कुल आराम से करना है, और ऐसा करके इसको पंजे को पीछे करना है, इसको 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करना है। आप अपनी सुविधा के अनुसार इसका लेवल होल्ड करने का बढ़ा भी सकते हैं। ऐसे दूसरी तरफ करेंगे, पंजे को पीछे, जितना पंजे को पीछे ले जाएंगे उतना अच्छा रहेगा। रिलैक्स कर देंगे, उसके बाद फिर से करेंगे। जितनी देर होल्ड कर सकते हैं करना है। एक चीज ख्याल रखना दोस्तों, ये पूरे का पूरा स्ट्रेट रहना चाहिए, कहीं भी कोई बेंड नहीं आना चाहिए। जब इसको नीचे करना है तो पहले पंजे को रिलैक्स करना है, फिर ऐसे नीचे ले जाना है। ख्याल रखना दोस्तों, ये हम इस तरह 5 से 7 बार करेंगे। पहले एक टांग पर करेंगे 5 से 7 बार, फिर बाद में दूसरी टांग में करेंगे। ऐसा नहीं करना कि पहले एक तरफ कर लिया, फिर दूसरी तरफ कर लिया, फिर तीसरी तरफ, जो ऐसे नहीं करना है। पहले एक साइड पे करना है, फिर दूसरी साइड पे करना है। ऐसे बात ही मारकर बैठते हैं, लेकिन जिनके घुटनों का दर्द शुरू हो चुका है वो इस तरह से ना बैठें। अगर उन्हें बैठना है तो कुछ प्रिकॉशंस हैं। कोई भी एक कपड़ा ले लें, टावल ले सकते हैं, उसको फोल्ड कर लें। ये अपना जो पैर है और जो घुटना है इसके बीच में इसको ऐसे रखें, ऐसा ही दूसरी तरफ। इस तरह करने से इनको नीचे एक सपोर्ट मिल जाती है, जिसके कारण ये जो सारी थाई मसल और ये काफ मसल हैं ये पूरे रिलैक्स हो जाते हैं। तो इस तरह करने से हमारे ये जो टेंडन वगैरह हैं इनका रप्चर होने का डर नहीं रहता है। ठीक है, करने में एक्सरसाइज करेंगे तो
सबसे पहले है कोई भी टावल या किसी कपड़े का ऐसे रोल बना के उसको अपने इस नी के नीचे रख लेना है। दूसरे काम को ऐसे ऊपर कर लेना है रिलैक्स, और इस नी के नीचे जो कपड़ा है इसको हल्का सामने पुश करना है। ज्यादा प्रेशर नहीं करना दोस्तों, हल्का सा पुश करना है। इसके करने से हमारे पैर के अंगूठे से लेकर यहां तक थोड़ा सा खिंचावट आएगी, ऐसा हमने इसको 4 से 5 बार करना है। इस टांग को हम स्ट्रेट भी रख सकते हैं, स्ट्रेट रख के भी कर सकते हैं ऐसे। इसको हम दूसरी टांग को बेंड इसलिए करते हैं कि इस तरह करने से हमारे कमर के ऊपर कोई भी दबाव नहीं आता है। लेटने की एक्सरसाइज बताते हैं दोस्तों। आमतौर पर हम सीधा लेटते हैं और कई बार करवट लेते हैं। करवट लेकर हम ऐसे ऐसे टांग के ऊपर टांग चढ़ा लेते हैं। याद रखना हमारा ये घुटना जो है दूसरे घुटने के ऊपर टच करने से नी पेन बढ़ने की संभावना रहती है। तो इससे बचने के लिए एक ही तरीका है कि हम दोनों घुटनों के बीच में एक छोटा सा पिल्लो लगा देंगे और ऐसे रख सोएंगे। इस तरह करने से दोस्तों हमारा नी दोनों आपस में रगड़ेंगे नहीं और उनका दर्द नहीं होगा। दूसरा, वैसे भी इनको बीच में रखने से ये पूरे का पूरा हमारा जो थाई मसल है और पीछे हैमस्ट्रिंग मसल है सारे सारा रिलैक्स महसूस होता है। अगली एक्सरसाइज जो कि उल्टा लेटे करनी है उसके बारे में बताता हूँ। इसमें दोस्तों सराहना निकाल देना, ऐसे रिलैक्स करके अपनी एक टांग को ऊपर उठाना है, इसको होल्ड करना है जितनी देर तक आप कर सकते हैं, 5 से 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं करना। इसको रिलैक्स रखना है, इसके बाद फिर इसको 90 डिग्री पे लेके जाना है, होल्ड करना है इसको 5 से 10 सेकंड तक, फिर रिलैक्स करना है, फिर दूसरी तरफ ऐसे इसको भी ऐसे बार बार रिपीट करना है। ऐसे हम शुरुआती तौर पर 5 उस तरफ और 5 इस तरफ करते हैं। इनको हम दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह करने से कमर के मसल के ऊपर दबाव आता है, तो जिनको कमर दर्द पहले रहता हो वो ये एक्सरसाइज ना करें। अगर करनी हो तो एक एक पाँव करके करें, दोनों एक साथ उठाकर ना करें। ऐसे इसको होल्ड करना है। आज मैंने आपको कुछ बैठने और लेटने वाले एक्सरसाइज के बारे में बताया है, आशा है आपको ये पसंद आया होगा। लेकिन कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर मिल लें, और आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसको एक बार लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।